हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं विश्व इतिहास से इटली के एकीकरण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली अर्थात इटली का एकीकरण। विश्व इतिहास में इटली का एकीकरण एक महत्वपूर्ण विषय है। 19वीं सदी में इटली एक प्रकार से राजनीतिक और सामाजिक अभियान था। इटली का एकीकरण एक सामाजिक और राजनीतिक अभियान था जिसने इटली के विभिन्न प्रायद्वीपों को संगठित कर इटली को एक एकीकृत राष्ट्र बनाया। इसके एकीकरण की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो गई थी जब इटली पर नेपोलियन का शासन समाप्त हो गया था अर्थात 1815 ईस्वी से, और इसके एकीकरण का कार्य 1870 में पूर्ण हुआ। दरअसल नेपोलियन के युद्धों के कारण इटली वासियों में एकता की भावना का संचार हुआ। उन्होंने अपने देश को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने का निश्चय किया। इस कड़ी में इटली के राष्ट्रवादियों, यहाँ राष्ट्रवादी होगा, राष्ट्रवादियों एवं उदारवादियों ने अनेक प्रयास भी किए लेकिन वे असफल रहे। इटली वासी रोम के प्राचीन गौरव एवं उसकी कला संस्कृति को पूर्व की तरह पुनः स्थापित करना चाहते थे। इसी क्रम में मेजनी, केबुर, गैरिबाल्डी, इमैनुअल आदि लोगों के अथक प्रयास से विभिन्न भागों में विभक्त इटली को न केवल एकीकृत किया बल्कि एक सशक्त राष्ट्र के रूप में इसे वैश्विक मान्यता भी दिलाई। अब हम एकीकरण की शुरुआत देखेंगे। नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में वियना कांग्रेस सम्मेलन द्वारा इटली के उत्तरी भागों में प्रदेश जिसमें लोम्बार्डी और वेनेशिया था के प्रदेश ऑस्ट्रिया के अधिकार में, दक्षिण का भाग का प्रदेश नेपल्स और सिसली पर फ्रांस का अधिकार कायम हुआ तथा मध्य इटली में पोप के शासन आरंभ हुए। इस तरह से इटली का विभाजन कर दिया गया। आगे चलते हैं। इस भौगोलिक विभाजन के कारण इटली के लोग असंतुष्ट हुए। इसके पश्चात राष्ट्रवादियों ने संपूर्ण इटली को एकीकृत करने का बीड़ा उठाया। इसमें उन्होंने अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। दरअसल इटली के एकीकरण में कुछ महत्वपूर्ण बाधाएं थी। क्या क्या थी? इटली के प्रदेशों को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कराना, देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाना और देश की राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना आदि। इन बाधाओं का सामना करते हुए देशभक्त इटली वासियों ने राष्ट्रीय एकता का प्रयास प्रारंभ किया। इसके लिए उन्होंने अनेक गुप्त समितियों का गठन किया। इसमें कार्बोनरी सबसे प्रसिद्ध गुप्त संगठन था। इसकी प्रेरणा से ही इटली में अनेक विद्रोह हुए जिन्हें मेटरनिक ने कुचल दिया। इसलिए राष्ट्रवादियों का दृढ़ विश्वास हो गया था कि जब तक इटली से ऑस्ट्रिया के प्रभाव को समाप्त नहीं होगा तब तक एकता की स्थापना सफल नहीं होगी। इसी कड़ी में हम मेजनी के योगदान को देखेंगे। इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था तथा बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों की साहित्यों में से काफ़ी लगाव रखते थे। पढ़ाई समाप्त होने के बाद वे कार्बोनेरी के सदस्य बन गए। अपने विचारों के कारण 1830 में वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जेल से छूटने के बाद उसने युवा इटली नामक एक संस्था को गठन किया। धीरे धीरे 3 वर्षों में इसके सदस्यों की संख्या लगभग 60,000 तक पहुंच गई। उसका विचार था कि नए विचार तभी फैलते हैं जब उन्हें खून से सींचा जाता है। मेजनी युवकों के नेतृत्व को महत्वपूर्ण मानता था। वह तत्कालीन व्यवस्था से दुखी था तथा उसे परिवर्तित करना चाहता था। उसने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी प्रतिष्ठा और उन्नति अवरुद्ध है। इसके लिए उसने ऑस्ट्रिया को दोषी बताया। उसने ऑस्ट्रिया के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। इस प्रकार मेजनी ने इटली वासियों में एकता, राष्ट्रीयता, बलिदान आदि भावना का संचार किया। वह स्वयं गणतंत्र का पोषक था और
लोगों को लोगों में स्वतंत्रता की भावना का संचार करता। इस तरह वह इटली में स्वाधीनता के संघर्ष का अग्रदूत बना। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव इटली पर भी पड़ा। अतः देशभक्तों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयास किए। इस प्रयास में उन्हें सफलता तो नहीं मिली, परंतु मेटरनिक के पतन के कारण उनका उत्साह इटली के राष्ट्रीय एकीकरण के आदर्श को सम्यक रूप देने का श्रेय मेजनी को है। अब हम विक्टर इमैनुअल के योगदान को देखेंगे। तो पिडमार्ट का शासक विक्टर इमैनुअल अन्य यूरोपीय शासकों से भिन्न था। वह राष्ट्रीयता और लोकतंत्रवाद का समर्थक था। वह एक सच्चा देशभक्त, वीर और धैर्यवान व्यक्ति था। उसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके विचारों से प्रभावित होकर जनता ने उसे एक ईमानदार राजा की उपाधि दी। वह जनता में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। कैबुर इसका योग्य प्रधानमंत्री था। इटली के एकीकरण में दोनों ने मिलजुल कर इसे गति प्रदान की। अब हम कैबुर के योगदानों को देखेंगे। इटली के एकीकरण में कैबुर का भी महत्वपूर्ण योगदान था। वह एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसका जन्म 1810 में ट्यूरिन के एक जमींदार परिवार में हुआ था। उसने अपने जीवन एक सैनिक के रूप में प्रारंभ किया। वह वैध राजसत्ता का समर्थक एवं संसदीय प्रणाली से प्रभावित था। 1848 में देश की संसद का सदस्य बना और 1852 में वह पिडमांट का प्रधानमंत्री बन गया। कैबुर की मान्यता थी कि जब तक राज्य मजबूत नहीं होगा, तब तक वह अपने संघर्षों में सफल नहीं हो सकेगा। इसलिए उसने पिडमार्ट का एकीकरण का नेतृत्व प्रदान करने के लिए उसे मजबूत बनाने का प्रयास किया। उसने अनेक सुधार कार्यक्रमों को लागू किया। उसने कृषि, शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। इस प्रकार प्रशासन के लगभग सभी अंगों में सुधार कर राज्य के प्रशासन को गतिशील बनाया। उसके प्रयासों के कारण पिडमार्ट राज्य की बहुमुखी उन्नति हुई और वह अब एक सशक्त राज्य बन गया। अपनी बुनियाद को मजबूत कर लेने के बाद उसने सभी वर्ग के लोगों से सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए। इसका परिणाम यह हुआ कि मेजनी और गैरिबाल्डी जैसे नेता उससे सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार राष्ट्रीय एकीकरण के कार्य में वह बहुसंख्यक जनता का सहयोग प्राप्त करने में सफल हुआ। कैबुर ने इटली के को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त करने के लिए फ्रांस की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया, क्योंकि इटली और ऑस्ट्रिया के युद्ध में यूरोपीय राष्ट्र फ्रांस ही था जो ऑस्ट्रिया को सहयोग कर सकता था। इसी क्रम में पूर्वी समस्या को लेकर जब क्रीमिया का युद्ध 1854 में प्रारंभ हुआ तो उसने फ्रांस को सहयोग दिया। 1856 में पेरिस की शांति संधि में एक सम्मेलन हुआ जिसमें कैबुर भी शामिल हुआ और उसने इटालियन स्वाधीनता के दावे को कुशलतापूर्वक प्रस्तुत किया। फ्रांस ने इटली के ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कराने हेतु सैनिक सहायता देने का वचन किया। दरअसल फ्रांस की नज़र इटली के नीस और सेवाए प्रवेश पर थी, इसलिए उसने इटली को सहयोग देना स्वीकार किया। अब फ्रांस से समर्थन हासिल करने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया पर युद्ध करने की योजना बनाई। अब ऑस्ट्रिया से युद्ध होता है। फ्रांस से सहायता का आश्वासन पाकर कैबुर ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध के लिए लोम्बार्डी और वेनेशिया में ऑस्ट्रिया के खिलाफ विद्रोह शुरू करवा देता है। इसके कारण 1859 में इटली और ऑस्ट्रिया के युद्ध छिड़ गया। लेकिन अचानक फ्रांस ने स्वयं को इस युद्ध से अलग कर लिया। इस कारण ज्यूरिक की संधि हुई जिसके अनुसार लोम्बार्डी प्रदेश इटली और वेनेशिया प्रदेश ऑस्ट्रिया तथा नीस और सेवाए प्रदेश फ्रांस को प्राप्त हुए। इटली इससे संतुष्ट नहीं था, लेकिन लोम्बार्डी की प्राप्ति इटली के एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, मध्य इटली का एकीकरण। आगे चलकर मध्य इटली के एकीकरण की मांग जोर पकड़ने लगी। ये राज्य अब पिडमार्ट के साथ मिलने का प्रयास करने लगे। 1860 में मेडोना, परमा और टस्कनी आदि मध्य इटली के राज्यों ने जनमत द्वारा पिडमार्ट में मिलने का फैसला लिया। इस प्रकार मध्य इटली के राज्यों का भी एकीकरण हो गया। अब केवल दक्षिणी इटली के राज्यों को संगठित करना शेष था। इस कार्य में इटली के राष्ट्रवादी गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान दिया। दक्षिणी इटली के प्रमुख राज्य थे सिसिली और नेपल्स, जहां बोर्बो राजवंश जो फ्रांस के शासक थे की सत्ता विद्यमान थी। अब हम गैरिबाल्डी के योगदानों को देखेंगे। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसका जन्म 1860 में नीस में हुआ था। इसने नौसेना की शिक्षा प्राप्त की तथा वह समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ था। उस पर मेजनी का विशेष प्रभाव था, इस कारण उसने रिपब्लिकल दल की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इस पर सरकार उससे नाराज हो गई थी और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जेल से मुक्त होने के बाद गैरिबाल्डी दक्षिण अमेरिका चला गया। कई वर्षों के बाद 1848 में वह पुनः वापस इटली लौटा, लेकिन क्रांति की असफलता के कारण वह पुनः अमेरिका चला गया। आगे चलकर वह कैबुर और इमैनुअल के संपर्क में आया। इसके बाद उसने लाल कुर्ती दल की स्थापना की। इसी दल की सहायता से इटली को सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिली। सिसिली और नेपल्स का अभियान को देखेंगे। दरअसल इटली के दक्षिण भाग के राज्य सिसिली और नेपल्स थे, जहां बोर्बो राजवंश का शासन था। यहां की जनता ने विद्यमान शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और गैरिबाल्डी से सहयोग की प्रार्थना की। जवाब में गैरिबाल्डी ने अपनी सेना की सहायता से जून 1860 तक सारे सिसिली पर अपना अधिकार कर लिया। यह कार्य सरलता से संपन्न हो गया। सिसिली अब पिडमार्ट के राज्य में शामिल कर लिया गया। इसके पश्चात 1860 में नेपल्स पर भी अधिकार स्थापित हो गया। लेकिन सिसिली और नेपल्स पर अधिकार के बावजूद वेनेशिया और रोम पर अधिकार स्थापित करना अभी शेष था, क्योंकि बिना इन क्षेत्रों पर अधिकार किए एकीकरण पूरा संभव नहीं था। इधर जर्मनी के एकीकरण का कार्य बिस्मार्क द्वारा चल रहा था। इस कार्य के दौरान जर्मनी ने 1866 में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में इटली भी जर्मनी के पक्ष में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लड़ा, अतः जर्मनी विजयी हुआ और युद्ध में सहयोग देने के कारण जर्मनी ने इटली को ऑस्ट्रिया से छीनकर विजयी हुआ और उसने सहयोग देने के लिए जर्मनी ने इटली को ऑस्ट्रिया से वेनेशिया छीनकर इटली को दे दिया। यहाँ आप वेनेशिया जरूर मेंशन कर दीजिएगा, छीनकर वेनेशिया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ छूट गया है मुझसे, क्षमा चाहूँगा। वेनेशिया इटली को दे दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रोम पर अधिकार। इटली के एकीकरण हेतु अब केवल रोम बच गया था। 1870 में फ्रांस और जर्मनी का युद्ध छिड़ गया। दरअसल जर्मनी अपने एकीकरण में फ्रांस के साथ युद्ध की घोषणा करता है। इस स्थिति में रोम में स्थित फ्रांसीसी सेना को वापस बुलाया जाता है। रोम पर पोप का अधिकार था, लेकिन फ्रांसीसी सेना के हटते ही इटली को रोम पर आक्रमण करने का स्वर्णिम अवसर मिला और 20 सितंबर 1870 को इटली ने रोम पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार अंततः 2 जून 1871 को विक्टर इमैनुअल ने रोम में प्रवेश किया और इटली के एकीकरण का कार्य पूर्ण हो गया। कैबुर, मेजनी, गैरिबाल्डी और इमैनुअल के सम्मिलित प्रयासों से यह कार्य पूरा हुआ।
इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।